देवन सुमन बृष्टि झरि लाई। त्रेता युग की इस दीपावली को पंचम दीपोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर आज यहाँ पर मंच पर उपस्थित केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री माननीय श्री जी किशन रेड्डी जी आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित वियतनाम, केन्या, त्रिनिदाद और टोबैगो के माननीय राजदूत और उच्चायुक्त, पूज्य धर्माचार्यगण, अम्बेडकर आए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री श्री कमल पटेल जी, प्रदेश सरकार के मेरे सहयोगी मंत्रीगण डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, डॉक्टर नीलकंठ तिवाड़ी जी, मान्य सांसद और जनप्रतिनिधिगण, लाखों की संख्या में दीपोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश और देश के कोने कोने से उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, उपस्थित भाइयों बहनों, त्रेता युग की इस दीपावली को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अयोध्या आगमन की स्मृति में इस अवधपुरी में एक बार फिर से आप सबको पंचम दीपोत्सव के इस कार्यक्रम में मैं हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने स्वयं कहा था कि अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम धामदा पूरी सुख राशि, हर से सब कपि सुनी प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जिस अवधपुरी के बारे में ये बात कही हो, वहां के निवासियों के बारे में बात कही हो, आज हम सब भी अवध के वासी होकर के अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। और आज मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि दीपोत्सव के इस आयोजन में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की अनुकंपा और प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 43 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में एक एक आवास उपलब्ध करवाया है विगत 4.5 वर्ष के दौरान। नगरीय क्षेत्रों में 9 लाख गरीबों ने गृह प्रवेश भी कर लिया है, उन 9 लाख परिवारों के घर में दीपोत्सव का कार्यक्रम भी हो रहा है और उसकी स्मृति में 9 लाख दीप का प्रज्वलन इस राम जी की पेड़ी में हो रहा है। कल हम प्रदेश 45 लाख प्रज्वलन दीपावली के उत्सव की और भी आगे बढ़ाएंगे और इसीलिए दीपोत्सव का आयोजन आनंददायक है, उत्साहदायक है और एक नए कीर्तिमान के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सब ने अभी देखा होगा, अभी तो इसकी झलक है।